टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। जलवायु परिवर्तन के कारण कई देशों में गेहूं का उत्पादन कम हो गया है। इस साल उत्तर भारत भी इसकी चपेट में रहा। अच्छी फसल के बावजूद मार्च में अत्यधिक गर्मी ने गेहूं के उत्पादन को कम कर दिया। इससे बाजार में इसकी कीमत MSP से ऊपर चली गई है, लेकिन सरकार और वैज्ञानिकों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है ताकि अगले साल ऐसी स्थिति ना हो। इसके लिए गर्मी सहनशील गेहूं की किस्मों पर ध्यान दिया जाएगा। जल्द ही पकने वाली किस्मों पर भी जोर दिया जाएगा ताकि तेज गर्मी के बावजूद उत्पादन प्रभावित ना हो। इस साल लू की वजह से गेहूं का उत्पादन कम हुआ है, खासकर हरियाणा, पंजाब और यूपी में। इसकी गुणवत्ता भी खराब हो गई है। अभी तक MSP पर बिकने वाले गेहूं में सूखे और टूटे अनाज सिर्फ 6% ही होता था, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 18% कर दिया है। सरकार ने कहा है कि मौसम की स्थिति किसानों के नियंत्रण से बाहर है, इसलिए उन्हें ऐसी प्राकृतिक घटना के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए। वहीं कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, वेस्ट यूपी, जम्मू, कठुआ, हिमाचल प्रदेश की पानवंटा घाटी, ऊना जिला और उत्तराखंड की टिहरी क्षेत्र के लिए 25 गेहूं की किस्मों की बुआई की सिफारिश की गई है, जो गर्मी की लहर का सामना कर सकती है। ये क्षेत्र उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में आते हैं। वहीं उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र में आने वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों के मैदानी इलाकों के लिए गेहूँ की 18 किस्मों को अच्छा बताया गया है। वहीं रबी विपणन सीजन 2022-23 के दौरान 1113 लाख मीट्रिक टन गेहूँ के उत्पादन का अनुमान लगाया गया था, लेकिन गर्मी की शुरुआत ने पंजाब और हरियाणा में गर्मी की लहर के कारण खाद्यान्न की बनावट में बदलाव किया। गेहूं सूख गया, जिससे उपज में गिरावट आई। इसके बाद सरकार ने 1064 लाख मीट्रिक टन गेहूं के उत्पादन का अनुमान लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।